हेलो एंड वेलकम टू इग्निशन। मैं हूँ स्वाति खंडेलवाल। आज के शो में बताते हैं क्या है खास। बहुत सारी एक्साइटिंग न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस के टेस्ट ड्राइव हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो फास्टन योर सीट बेल्ट एंड गेट सेट रेडी टू गो। देखते हैं क्या है हेडलाइंस। ले चलेंगे मर्सिडीज बेंज की ब्रांड न्यू एसयूवी जीएलबी और इलेक्ट्रिक एसयूवी ईक्यूवी की टेस्ट ड्राइव पर। मर्सिडीज जीएलबी और इलेक्ट्रिक एसयूवी ईक्यूवी हुई भारतीय बाजार में ऑफिशियली लॉन्च, जिस पर खास बातचीत करेंगे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट संतोष अय्यर से। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के सीएफओ जीआर अरुण राम के साथ जानेंगे क्या है कंपनी के अपकमिंग प्लान्स। इंडियन स्टार्टअप कंपनी प्रावेक की इलेक्ट्रिक एसयूवी डिफाई हुई भारतीय बाजार में लॉन्च, और दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास खबरें इग्निशन में। Right, तो ये है मर्सिडीज बेंज की ईक्यूबी जो कि पोजीशन की जा रही है अब आफ्टर ईक्यूएस, ईक्यूसी, ईक्यूबी। सो टॉप डाउन अप्रोच फ्रॉम मर्सिडीज बेंज इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस इन इंडिया। खास बात ये है कि इसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए इसको असेंबल किया जा रहा है भारत में, जिससे कॉस्ट इसकी और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो पाए फॉर कंज्यूमर्स। एंड आई थिंक मर्सिडीज बेंज ने इस स्पेस में, स्पेशली इन द इलेक्ट्रिफिकेशन स्पेस, एक लीड लिया है फ्रॉम द अदर मैन्युफैक्चरर्स, बिकॉज वन आफ्टर द अदर ये बहुत ही प्रोडक्ट ऑफेंसिव दिख रहे हैं। एंड यही नहीं, आगे भी इनके और भी प्लान्स हैं। सब गाड़ियां जो ग्लोबल मार्केट्स में आ रही हैं इन द इलेक्ट्रिक वर्जन, दैट्स आल्सो गोइंग टू कम टू इंडिया। नाउ ईक्यूबी की खास बात क्या है, ये एक अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक एसयूवी है इन द लग्जरी स्पेस। इनफैक्ट इट्स द मोस्ट अफोर्डेबल फॉर मर्सिडीज बेंज इन इंडिया सो फार। लुक्स की बात करें तो सबसे पहले आपको बता दें कि ईक्यूबी एसयूवी बॉर्न इलेक्ट्रिक कार नहीं है। मर्सिडीज ने इसे फ्यूल बेस्ड कार जीएलबी एसयूवी के इलेक्ट्रिक वर्जन की तरह इसे पेश किया है। ईक्यूबी एक 7-सीटर एसयूवी कार है जिसमें ईक्यू जैसे अपडेट्स मिलते हैं। यूजर्स को इसमें ब्लैक ऑफ फ्रंट ग्रिल और रियर में एक फुल विड्थ एलईडी लाइट बार मिलता है, जो लुक्स वाइज इस कार को काफी आकर्षक बनाता है। लुक्स की बात करें तो ईक्यूबी को जीएलबी मॉडल के लुक्स से मिलता जुलता बनाया गया है, लेकिन इसमें हल्के फुल्के कुछ चेंजेस भी किए हैं, जिससे ये गाड़ी एक इलेक्ट्रिक कार की तरह दिखने लगती है। जीएलबी से अलग दिखाने के लिए इसके स्क्वायर आउट डिजाइन की तुलना में ईक्यूबी में एक बंद ग्रिल दिया गया है। इसी के साथ ही ईक्यूबी के व्हील्स काफी यूनिक तरीके से डिजाइन किए गए हैं, जो पूरे चौड़ाई के साथ लाइट बार से कनेक्ट लगते हैं। साइज की बात करें तो ईक्यूबी की लंबाई ईक्यूसी से लगभग 100 मिलीमीटर से कम है और इसका व्हील बेस लगभग 44 मिलीमीटर से छोटा है। इस मॉडल में आपको 18 इंच के नए अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो लुक्स वाइज काफी आकर्षक है। बात करें इंटीरियर की तो ईक्यूबी इलेक्ट्रिक एसयूवी के कैबिन को नए डिजाइन के साथ पेश किया गया है। इसके डैशबोर्ड पर कटआउट की तरह वाइल्ड फ्री स्टैंडिंग डिस्प्ले यूनिट दी गई है, जो दिखने में काफी शानदार है। कंपनी ने डिस्प्ले में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एयर कॉन को कंट्रोल करने के लिए MBUX सॉफ्टवेयर से चलने वाला टच स्क्रीन सिस्टम दिया है। इसी के साथ ही इस कार में वायरलेस चार्जर और एक पैनोरामिक सनरूफ भी मिलता है। मर्सिडीज की इस नई इलेक्ट्रिक कार ईक्यूबी में आपको 3 रो ऑप्शन मिलते हैं, जो एज अ 7-सीटर SUV काफी स्पेशियस है।
इसके इंटीरियर में मर्सिडीज का स्पेशल लुक मिलता है। यहाँ क्वालिटी की बात करना ठीक नहीं होगा क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पर इसका इंटीरियर उम्मीद से काफी बेहतर है और साथ ही काफी प्रीमियम भी लगता है। रोज गोल्ड वेंट जैसी कुछ चीजों के कारण ये अलग दिखती है और अधिक ग्लैमरस भी लगती है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में आपको 10.25 इंच की स्क्रीन मिलती है, साथ ही इसमें EQS के विपरीत कई फिजिकल बटन भी दिए गए हैं। इसका बैकलाइट इंटीरियर रात के समय में काफी आकर्षक लगता है। फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको पावर सीट्स, ट्विन सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक के साथ MBUX सिस्टम, 10 स्पीकर ऑडियो सिस्टम, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, पार्क असिस्ट और तुरंत सीट्स को एडजस्ट करने वाला क्लीवर काइनेटिक्स फीचर्स दिया गया है। कीमत की बात करें तो इस शानदार इलेक्ट्रिक एसयूवी की कीमत कंपनी ने 74,50,000 रुपीस एक शोरूम रखी है। और अगर गाड़ी के इंटीरियर्स की बात करें तो इट्स अ प्रीटी फंक्शनल कार, आई वुड से नो बेल्स एंड विसल्स इन मेनी वेज, बट वेरी प्रैक्टिकल। यहाँ पर दो 12.5 इंच के स्क्रीन्स मिलते हैं, ऑफ कोर्स वेरी फेमिलियर स्क्रीन्स दैट यू नो विद मर्सिडीज, एंड सम फंक्शंस लाइक 64 ऑप्शंस ऑफ एम्बिएंट लाइटिंग। बेसिक पॉइंट से ये काफ़ी फंक्शनल आई वुड से एंड प्रैक्टिकल है। सो डीसेंट इंटीरियर्स, सिंपल एंड सटल। वेल, अगर परफॉर्मेंस की बात करें, इसके ड्राइविंग डायनेमिक्स की बात करें, तो पहले मैं बता देती हूँ कि इसके जो बैटरी है, दैट्स अ 66.5 किलोवाट आवर लिथियम आयन बैटरी, जो कि आपको डिसेंट पावर आउटपुट देती है, अबाउट 230 हॉर्स पावर रफली जो आपको इसमें मिलता है। एंड इम्पॉर्टेंट बात है, द रेंज एटलीस्ट द कंपनी क्लेम्स इज अबाउट 400 किलोमीटर्स ऑन अ सिंगल चार्ज। वेल, 0 to 100 दिस स्प्रिंट्स इन जस्ट अबाउट 6 ऑड सेकेंड्स, सो इट्स प्रीटी फास्ट एंड गुड विद एक्सेलरेशन। इट्स अ फन कार टू ड्राइव। हम यहाँ वाइंडिंग रोड्स में चला रहे हैं कोडाईकनाल में, और इसमें यू नो कॉर्नरिंग केपेबिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। इट्स अ फन गुड कार टू ड्राइव, स्पेशली ऑन द टर्न्स। ओवरऑल आई थिंक इसकी पोजिशनिंग जो की जा रही है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। विद द रेंज दैट यू गेट, आई थिंक रेंज एंगजाइटी लोगों को अब नहीं होगी। 400 का एक रेंज जो आपको मिल रहा है किलोमीटर्स का ऑन अ सिंगल चार्ज, दैट्स प्रीटी नाइस एंड कंफर्टेबल टू थिंक ऑफ। दूसरी बात ये कि 0 to 100 की मैंने ऑफकोर्स परफॉर्मेंस वाइज बात की, बट अगर हम इसको फुल 80% तक चार्ज करते हैं तो विद अ फास्ट चार्जर इट कैन चार्ज अप टू 80% इन जस्ट अबाउट 30 मिनट्स। सो आधा घंटे में ये ऑलमोस्ट 80% चार्ज हो जाती है, विच इज़ अगेन क्वाइट अ रिस्पाइट फॉर पीपल हु आर लुकिंग टू बाय दिस कार। Well, the car feels very smooth and comfortable to drive, especially अगर road conditions अच्छे हों तो this car is actually a delight, I would say। बहुत मज़ा आ रहा है इसको यहाँ पर कोडाईकनाल के roads पर चलाने में, क्योंकि absolutely peaceful, quiet experience है electric SUV का। All right, अगर हम कंपटीशन की बात करें, सो दिस विल बी पिटेड अगेंस्ट द अपकमिंग Audi Q8 e-tron जो कि भारतीय बाजार में जल्द लॉन्च होगी। सो क्लियरली वी कैन से दैट द लक्जरी SUV इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट इज नाउ हीटिंग अप।